तो फ्रेंड्स ये है मेरा पुराना सब बुफर, ये टीवी में से निकाला था, आप देख सकते हैं बेजोन टीवी थी वीडियो को इनकी, उसमें से निकाला था इस सब बुफर को, और ये आईसी भी उसमें से निकाली थी मैंने, और यहाँ पे कैपेसिटर देख सकते हैं मैंने 3 लगा के रखे हैं 1000 माइक्रोफैरेड के। तो अब मैं आपको इसका बेस सुना देता हूँ और फील करा देता हूँ कितना है, आपको फील तो होगा नहीं वैसे, फिर भी आपका नमन लग जाएगा ये रखा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं दूसरी चीज़ रखता हूँ यहाँ पर, कैपेसिटर और रजिस्टर और ट्रांजिस्टर रखें थोड़े बहुत मेरे पास। फ्रेंड्स आपने जैसा कि फील करा होगा, फील तो आपको आने होगा, अगर आप हेडफोन लगा के रखेंगे तो आपको जरूर पता पड़ जाएगा कितना बेस है इसमें। और ये भी TDS 7297 के आईसी है, मुझे किसी ने कमेंट करा था इस पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। आप इसको कार सबवूफर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बेस देगा और आपकी विंडशील्ड सब हिला देगा ये। यदि आपको कहीं पर भी ऐसी बेजोन या फिर कोई सी टीवी मिलती है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं, या आईसी भी निकाल सकते हैं और ख़ुद सर्किट बना सकते हैं। मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा, छोटा सा सर्किट है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा सर्किट है, 3 कैपेसिटर और 1 रजिस्टर लगा है और 1 जॉइंटर लगा है इधर, और कुछ नहीं है बाकी। ये पावर सप्लाई है मेरी CPU फैन में से, मतलब CPU का जो पावर सप्लाई रहती है वो है, इधर से पावर कट कर दिया मैंने, जो पीछे से आ रहा है वो 12 वोल्ट है। तो बस दोस्तों तीसरी वीडियो थी, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।